सो हेलो व्यूअर, वेलकम बैक। मैं संजय, आप देख रहे हैं मेरा मोटर, एक नया एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पंच की। फर्स्ट टाइम कार वायर्स के लिए ही ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, टाटा पंच में जब हम पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में स्विच करते हैं तो यार क्या होता है कि फ्यूल का हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से हम उसका फ्यूल कैप ओपन करें। तो टाटा पंच में देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ एक छोटी सी नोजल दी गई है, उसमें आपको फ्यूल का इंडिकेशन भी दिया गया है। आपको ऊपर को उसको प्रेस करना है, थोड़ा सा ऊपर प्रेस करेंगे तो उसका जो फ्यूल कैप है वो इजीली ओपन हो जाता है। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। देखिए दोस्तों, ये चीज़ ओपन हो चुकी है। अब आप क्या है, इसमें आराम से पेट्रोल भर सकते हैं। पुरानी गाड़ियों में क्या होता है कि पुरानी गाड़ियों में यहीं पर चाबी का डिब्बा बना होता है, चाबी से ही आपको उसको खोलना होता है, ऐसे आप एक्सेस करते हैं। नई गाड़ियों में ये चीज़ नहीं है, नई गाड़ियों में अब आपको फ्यूल लेट दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये बोनेट का है। बोनेट में क्या होता है कि यार, पुरानी गाड़ियों में बोनेट के लिए एक बड़ा सा लीवर दिया रहता था स्टेरिंग के जस्ट नीचे पर, इसमें भी एक लीवर दिया गया है पर ये थोड़ा सा और डीप दिया गया है, स्टेरिंग के नीचे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये मैं आ गया ड्राइवर साइड पर और अब देखिए ये नीचे को दिया गया है। ये देखिए, बहुत नीचे ये दिया गया है। इसको आपको पीछे की तरफ को पुश करना है और अभी आप देखेंगे बोनेट ओपन हो गया होगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे जाके। देखिए, बोनेट का पार्ट जो है ना थोड़ा सा ऊपर को आ चुका है। अब इसमें भी क्या है कि एक ट्रिक है, आपको उंगली नीचे डालनी पड़ेगी और जो लॉक है, लॉक को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा तो आप ईजीली एक्सेस कर पाएंगे अपना गाड़ी का बोनेट। देखिए दोस्तों, बहुत ही भारी बोनेट है ये टाटा पंच का सबसे भारी बोनेट है टाटा पंच में दिया हुआ। टाटा की जितनी भी कार्स हैं उन सभी में इसी तरह का ऑप्शन, इसी तरह का एक फीचर दिया है जिससे आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे बोनेट एरिया को भी। देखिए दोस्तों, ये है बोनेट एरिया। यहाँ पर सबसे पहला जिसमें येलो डॉट लगी है, ये इसमें आपको वॉशर के लिए है। ये इसमें आप शैम्पू और पानी वानी भर के अपने विंडशील्ड को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बड़े बगल में जो है आपको एयर कंप्रेसर दिया गया है, बीच में आपको इंजन का पार्ट देखने को मिलेगा। सारे पार्ट आपको क्लियरली विजिबल होते हैं इस कार में। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइव।